स्वागत करते हैं आपका आज की डीएम चर्चा के अंदर। मेरा नाम है अभिलाषा भाटिया और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल डिजिटल मैजिक। तो चलिए शुरू करते हैं आज के पहले सवाल से। सर, फर्स्ट क्वेश्चन है, सर जी प्लीज एक वीडियो बनाए YouTube वॉच टाइम कैसे कंप्लीट करें, 2013 से परेशान हूँ, मुझे यूट्यूब मोनिटाइज करना है, प्लीज सर प्लीज। देखो, YouTube का जो वॉच टाइम है कैसे कंप्लीट करना है, और 2013 से आप परेशान हैं और आपने जो है आई थिंक ये शायद मेरे पास व्हाट्सएप पे भी मेरी टीम के पास में आपने मैसेज करे, हमें SMS भी करे, तो डेफिनेटली मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि वॉच टाइम को इंक्रीज करना या वॉच टाइम को कंप्लीट करना मोनेटाइजेशन के लिए कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है। इसके लिए अभी के लिए मैं आपको सिर्फ इतना बता सकता हूं कि आपको जो है अपने कंटेंट के ऊपर में जो है वो ध्यान देना पड़ेगा। आपका कंटेंट जो है वो परफेक्ट होना चाहिए ऑडियंस के लिए। अगर आपका कंटेंट ऐसा है जो ऑडियंस को पसंद आ रहा है तो डेफिनेटली वो ज्यादा से ज्यादा आपके कंटेंट को कंज्यूम करेंगी और जितना ज्यादा कंजम्पशन होगा उतना ही वॉच टाइम आपका इंक्रीज हो जाएगा। तो मैं तो आपको यही एक सजेशन दूंगा कि आप पहले हमारी टीम तक रीच तो कर चुके हैं, आप अपने चैनल को भी एक बार जो है हमें दिखा दें, लिंक शेयर कर दें, सो दैट कि हमारी जो डिजिटल मार्केटिंग की जो SEO की टीम है वो एक बार एनालाइज कर लेगी और एनालाइज करके आपको जो है राइट गाइडेंस दे देगी 1-to-1, ताकि आपको जो आपका वॉच टाइम है वो क्यों कंप्लीट नहीं हो पा रहा है और क्यों चैनल मोनेटाइजेशन नहीं हो पा रहा है उसके बारे में जो है आपको पूरा गाइडेंस जो है वो प्रोवाइड कर दिया जाएगा। जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। राइट सर, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, सर LIC के लिए लीड कैसे जनरेट करें? देखो, LIC के लिए लीड जनरेट करने की अगर जहां तक डिजिटल की अगर हम बात करें, क्योंकि हमारा जो प्लेटफॉर्म है वो डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड ही है, तो ऐसे में यहाँ पे कई सारे तरीके हैं। पहला जो तरीका है कि आप अपना एक YouTube चैनल क्रिएट करें और YouTube चैनल क्रिएट करके आप उस पर अपने जो भी LIC की जो भी पॉलिसीज होती हैं उनके बेनिफिट्स के बारे में बताएं, राइट, कि किस तरह का अगर आपको बेनिफिट चाहिए तो उस पर कौन सी पॉलिसी लेनी चाहिए। तो ये आप अगर इस तरह के कुछ वीडियोज बनाकर यूट्यूब पे अपलोड करेंगे और साथ ही साथ अपना जो है नंबर भी शेयर कर देंगे तो यहाँ से आपको काफी सारी लीड्स मिल सकती हैं। सेकंड, आपके पास में जो है जो इंस्टाग्राम हो गया तो वहां पर जो है आप अपनी एक प्रोफाइल क्रिएट कर सकते हैं, वहां पर अपनी जो भी पॉलिसीज हैं, लोगों की जो प्रॉब्लम्स हैं उसको एड्रेस करें और साथ ही साथ जो है उसके लिए कौन सी पॉलिसी सही रहेगी, ऐसी कुछ पोस्टर डिजाइन करके आप जो है पोस्ट करेंगे तो डेफिनेटली वहां से भी एक अच्छा आपको लीड जनरेट हो सकती है। और अपार्ट फ्रॉम दैट जो है आप एक गूगल की बिजनेस लिस्टिंग करवा लें जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट होती है बिजनेस के गूगल के ऊपर में, हालांकि कुछ अभी काफी सारे जो है उसमें ऑथेंटिकेशंस वगैरह लगा दिए गए हैं, वो आपको प्रूव करने पड़ेंगे, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। आप बिजनेस लिस्टिंग करवा लेते हैं तो बहुत आसानी से अगर वो रैंक में आ जाता है तो आपको कई सारी लीड जो है वो गूगल से भी मिल जाएंगी। अब ये आपको मैंने वो तरीके बताए जिससे आप ऑर्गेनिकली लीड को जनरेट कर सकते हैं, लेकिन अपार्ट फ्रॉम दैट अगर और ज्यादा आप बहुत जल्दी आपको लीड्स की रिक्वायरमेंट है तो इन दैट केस जो है आप गूगल की या फेसबुक की या इंस्टाग्राम वगैरह की जो पेड एडवर्टाइजमेंट होती है वहां पे आप अपनी एड रन कर सकते हैं, वहां से आपको अमेजिंग जो लीड्स हैं वो मिल जाएंगे। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। सर, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर डिजिटल मार्केटिंग में फ्रेशर्स के लिए कोई जॉब, कौन सी जॉब सही रहती है? देखो, डिजिटल मार्केटिंग की अगर हम बात करें तो फ्रेशर्स के लिए जो है आप तीन बड़े ऐसे डोमेन्स हैं डिजिटल मार्केटिंग के अंदर जिसके लिए आप आगे जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं अगर आप एक फ्रेशर हैं। पहला तो आप जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो डेफिनेटली आपके पास नॉलेज होना मैंडेटरी है। नॉलेज अगर है तो उसके लिए आप या तो सोशल मीडिया मैनेजर के लिए आप पोस्ट अप्लाई कर सकते हैं, आप जो है वेब डिजाइनिंग के लिए अप्लाई कर सकते हैं, आप SEO के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये तीन ऐसी फील्ड्स हैं जिसमें काफी ज्यादा डिमांड भी है और अगर एज अ फ्रेशर आप इनमें आगे बढ़ते हैं तो डेफिनेटली आपको काफी ज्यादा जॉब की अपॉर्चुनिटीज जो है वो मिल जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या इस पे एक वीडियो मिल सकती है क्या, हाउ टू एड इंस्टा अकाउंट इन वेबसाइट थ्रू वर्डप्रेस? डेफिनेटली आंसर टू योर क्वेरी, यस, आपको जो है बहुत ही जल्द हम जो है इंस्टाग्राम का जो अकाउंट है वो किस तरीके से इंटीग्रेट करते हैं अपनी वेबसाइट के अंदर वर्डप्रेस पे स्पेशली जो आपने बोला है वो आपको वीडियो जो है नेक्स्ट वीक जो है वो मिल जाएगी।
ओके सर, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोरा पे बैकलिंक्स बनाया है लेकिन बैकलिंक्स चेकर्स पे नहीं दिखा रहा है। देखो, कोरा पे जो आपने बैकलिंक बनाया है और वो बैकलिंक नहीं दिख रहा है, वो इसलिए नहीं दिखता है क्योंकि जब भी हम, ये डिजिटल वर्ल्ड है, यू नीड टू अंडरस्टैंड, ये डिजिटल वर्ल्ड है और यहाँ पर कोई भी बटन दबा के लाइट चालू हो जाए ऐसा कुछ नहीं होता। यहाँ पर जो है थोड़ा सा वेट करना पड़ता है। बैकलिंक्स आपने क्रिएट कर दिया है, बहुत अच्छी बात है, और बैकलिंक जो है वो रिफ्लेक्ट करने के लिए कुछ समय लग जाता है। वो डिपेंड करता है जो आपके क्रॉलर्स हैं उनके ऊपर में डिपेंड करता है, जो एल्गोरिदम्स काम कर रहे हैं उनके ऊपर में डिपेंड करता है। तो बेसिकली आप जो है थोड़ा वेट करें, तो डेफिनेटली थोड़े वेट करने के बाद में अगर आप 10-15 दिन वेट करते हैं तो आप जब भी किसी भी टूल का, हो सकता है वो टूल जो उस चीज को अभी एनालाइज नहीं कर पा रहा हो, इसलिए यहाँ पे समय लगता है। इट्स अ पार्ट ऑफ SEO, राइट? इट्स अ पार्ट ऑफ SEO, सर्च इंजिन ऑप्टिमाइजेशन, जिसमें टाइम टेकिंग प्रोसेस है और रेगुलर काम करने की रिक्वायरमेंट है। आप एक लिंक क्रिएट करके जो है अगर ये सोचे कि आपको वो तुरंत बिक जाना चाहिए तो दैट इज नॉट पॉसिबल। इसीलिए आप जो है अपना जो काम है बैकलिंक जनरेट करने का वो आप करते रहें, एंड स्लोली ग्रेजुअली जैसे ही जैसे वो एल्गोरिदम्स काम करेंगे, जैसे जैसे क्रॉलर्स जो है वो काम करेंगे, तो ऑटोमेटिकली आपकी जो बैकलिंक्स की विजिबिलिटी है वो आपको मिल जाएगी। सर, ये लास्ट क्वेश्चन है, हाउ टू टॉक टू कस्टमर्स इन मैसेजेस और इन ईमेल्स, प्लीज अपलोड अ डिटेल्ड वीडियो इन दिस माय क्वेश्चन। हाउ टू टॉक टू पीपल, या जो आपके क्लाइंट्स हैं उनसे कैसे आपको बात करनी चाहिए, चाहे वो व्हाट्सएप हो चाहे फिर वो जो है ईमेल। जनरली मैं ये मेथड जो है वो प्रेफर करता हूँ, क्योंकि आज तक मैं जितने भी मैक्सिमम लोगों से जो भी चैट करता हूँ, चाहे वो हमारे प्रोजेक्ट से रिलेटेड क्लाइंट्स हैं या हमारे दूसरे क्लाइंट्स हैं या हमारे स्टूडेंट्स हैं, सभी से मैं प्रेफर करता हूँ व्हाट्सएप के जरिए कम्युनिकेशन। और व्हाट्सएप का कम्युनिकेशन आपका बहुत ही सिंपल होना चाहिए, बहुत ही टू द पॉइंट होना चाहिए और बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो बेसिकली इसका एक प्रॉपर मेथड होता है, वो मेथड जो मैं फॉलो करता हूँ मुझे कन्वर्जेंस भी मिलते हैं और मेरे क्लाइंट्स जो है मुझे रीच भी करते हैं और उनके जो क्वेरीज हैं उनको एड्रेस भी किया जाता है। तो ये और ईमेल के जरिए भी डेफिनेटली सेम चीज हम कर सकते हैं। तो आपको जो है इसके ऊपर आपने जैसे बोला वीडियो बना के अपलोड कर दूं, तो डेफिनेटली कुछ एग्जाम्पल्स का लेके जो है मैं यहाँ पे वीडियो आपको अपलोड करके दे दूंगा। ठीक है जी, आपने जितने भी क्वेश्चन पूछे मैंने एड्रेस करे। आई होप कि आपके सभी क्वेश्चंस के आपको आंसर जो है वो मिल गए होंगे हमारे आज के इस डीएम चर्चा के अंदर। लेकिन अगर आपके कोई और भी डाउट्स हैं या कोई सवाल हैं आपके, तो रिक्वेस्ट यही करूंगा कि डिटेल में हमारे किसी भी, हमारे इस चैनल की किसी भी वीडियो के अंदर जो है कमेंट सेक्शन में जाके आप अपना जो भी क्वेश्चन है, सजेशंस है, या आप जो मेरे से पूछना चाहते हैं वो डिटेल में लिखेंगे, तो डेफिनेटली मैं आपका टू द पॉइंट जो है आपके क्वेश्चंस को एड्रेस कर पाऊंगा। आई होप कि आज का जो हमारा ये वीडियो है डीएम चर्चा का, वो आपको पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें। और अगर आप नए हैं चैनल पे और इस तरह का कंटेंट आपको पसंद आता है तो क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। फिर मिलता हूँ एक और नए डीएम चर्चा के अंदर। टिल देन स्टे सेफ, गुड बाय।